तो चैप्टर का नाम है क्या निराश हुआ जाए। लिखा किसने है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट ये क्वेश्चन है, देखो ये स्टेटमेंट नहीं है, हमसे प्रश्न किया जा रहा है इस पूरे पाठ में, क्या हमें निराश होना चाहिए। और उत्तर भी द्विवेदी जी ने ही दिया है कि एक्चुअल में निराश होना चाहिए या नहीं। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है माने सैड हो जाता है। समाचार पत्रों में ठगी माने एक दूसरे को लोग ठग रहे हैं, डकैती माने चोरी वोरी हो रही है, डाकू लोग एंड ऑल, चोरी तो पता ही है, तस्करी हो रही है और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। इन दिस सेंस जब जब हम लोग समाचार पत्र पढ़ते हैं तो सिर्फ नेगेटिव न्यूज पढ़ते हैं। यहाँ पे कवि जो लेखक है उसकी ओर हमारा ध्यान लेकर जा रहे हैं कि जब जब हम समाचार पत्र खोलते हैं तो क्या देखते हैं? नेगेटिव न्यूज। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है, आरोप प्रत्यारोप माने हम तुमको कुछ बोल रहे, तुम रिटर्न में हमको ही कुछ बोल रहे हो। वातावरण माने ऐसा एनवायरमेंट बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी नहीं रह गया है। माने ऐसा एनवायरमेंट हो गया कि हम लोग को इतना डाउट होता है कि कहीं पे भी कोई ईमानदार आदमी बचा ही नहीं है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जिस भी इंसान को हम देखते हैं कैसे देखते हैं? भाई ये तो कुछ करप्टेड है, ये कुछ करप्शन किया है, ऐसे देखते हैं। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने अधिक दोष दिखाई देते हैं, जो जितने ऊपर पोस्ट में हम लोग को उसमें क्या कर दिखाई दे रहा है, उतना ही अधिक दोष दिखाई दे रहा है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे क्या कहा था, यहाँ पे बोला जा रहा है एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से कहा था। किससे कहा था गाइज? लेखक से कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। माने इस टाइम इस मोमेंट में कौन सुखी है? वो इंसान सुखी है जो कुछ भी नहीं करता। लोकेश, हम लोग क्या निराश हुआ जाए चैप्टर कर रहे हैं, फर्स्ट ही पैरा में थोड़ा नीचे आई, ठीक है, थोड़ा सा लाइंस पढ़ा दी और इस चैप्टर में एक प्रश्न किया जा रहा है कि हमें क्या निराश डिसअपॉइंटेड होना चाहिए, और इसका आंसर लेखक ने स्वयं खुद दिया है। और इसका स्टार्टिंग कुछ ऐसे किया है कि हम लोग जो भी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं या जो भी समाचार पढ़ रहे हैं, सब में नेगेटिव न्यूज ही भरती है, ऐसे कुछ बिगनिंग है। ठीक है, तो आप निकाल लो क्या निराश हुआ जाए चैप्टर, पेज नंबर है 72। हाँ, एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। तो अगर हमें मने प्रश्न कर रहे अगर हम कौन सुखी है, तो आंसर क्या आएगा? वो व्यक्ति सुखी है जो कोई भी कार्य नहीं कर रहा। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। माने हम कोई भी कार्य करेंगे तो क्या होगा? कुछ ना कुछ दोष होगा, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। माने सोचो तुम किसी के लिए बहुत अच्छा कार्य किए, ठीक है, तुमने उसके लिए सब कुछ अच्छा किया, परंतु कुछ एक काम के लिए एक कार्य तुम कुछ खराब कर दो, वो इंसान तुम्हारी सारी अच्छाई भूल जाएगा और क्या याद रखेगा? केवल और केवल तुम्हारा एक गलती, एक दोष। यहाँ पे सबसे पहले बैकग्राउंड सेट किया जा रहा है। क्या बैकग्राउंड सेट कर रहे? कि पूरा जो अपना संसार है वो सिर्फ बुराइयों को पकड़ कर रखता है। बिगनिंग इस हिसाब से किया गया है। नेक्स्ट, क्या निराश हुआ जाए चैप्टर हो रहे समृद्धि, आप खोल सकते हो। नेक्स्ट, आगे, जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाई देते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता। जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाएगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक दिखाई दे रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। जो मैंने बोला वही सेम चीज है। क्या सेम चीज है? कि जो इंसान है, ठीक है, वो क्या दिखाई दे रहा है? वो अधिक से अधिक दोषी दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोग इंसान का क्या करते हैं? क्वालिटी को, बैड क्वालिटी को बढ़ाकर दिखाते हैं और गुड क्वालिटी को कम करते हैं। और हमारा स्थिति अगर ऐसे ही रहा कि हम लोग सिर्फ नेगेटिविटी की ओर अग्रसर करें, नेगेटिव क्वालिटी को होल्ड करके रखें, तो ये एक बहुत ही चिंता वाली बात है। यहाँ पे ये बोल रहा है, फर्स्ट पैरा जल्दी से देख लो, कोई इश्यू है तो पूछो, जल्दी से फर्स्ट पैरा रीड करो। मैम तस्करी मतलब
चोरी का ही रूप है। बेसिकली स्मगलिंग बोल सकते हो, जसप्रीत स्मगल करते हैं ना, स्मगलिंग बोल सकते हो। ओके मैम। मैम मैं डिस्कनेक्ट हो गई थी, आप एक बार समराइज करके बोल देते क्या? आप एक बार रीड करो, आई थिंक समृद्धि बोल रहे, फर्स्ट पैरा रीड करो, कोई भी सेंटेंस में दिक्कत अच्छा। आ रहा है ना पूछो मुझसे फटाफट, इसलिए वेट कर, स्पेशली आपके लिए मैंने वो रीडिंग करने का टाइम दिया है। आप तो समृद्धि अटेंड कर पाओगे ना, एग्जाम हो गया आपका? हाँ मैम कल हो गया। परफेक्ट। इसमें बेसिकली बाबू यही बोल रहे हैं कि क्या निराश हुआ जाए, क्वेश्चन किया जा रहा है हमसे, क्या हमें डिसअपॉइंट होना चाहिए? फिर ये बोल रहे हैं कि हर जगह नेगेटिव न्यूज देख रहे हैं, नेगेटिव क्वालिटीज इंसान में, अच्छी चीजें 100 हो फिर भी एक नेगेटिव क्वालिटी है उसी को होल्ड कर लेते हैं। फर्स्ट पैरा में यही बोला था। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है पूछना। आगे बढ़ते, आई होप नहीं होगा, छोटा सा ही पैरा था। आगे, क्या यही भारतवर्ष है? माने यही हमारा भारत है, भारतवर्ष उनको पुराने वे में बोलते हैं भारत, ठीक है, जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। तिलक कौन? बाल गंगाधर तिलक जी, गांधी जी तो वी ऑल, ठीक है। विवेकानंद और रामतीर्थि आध्यात्मिक ऊंचाई वाला भारतवर्ष कहाँ है? हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, वो हमेशा स्पिरिचुअल रहा है, आध्यात्मिक माने स्पिरिचुअल। तो दो जन का नाम लिया गया, विवेकानंद जी और रामतीर्थ जी, ये लोग स्पिरिचुअलिटी बेस किए, सेट किए थे अपने भारत में, या स्पिरिचुअलिटी को लीड किए थे बेसिकली, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों का एग्जाम्पल लिया कि उनका बनाया गया भारत कहाँ है। रविंद्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्यता वाला भारतवर्ष किस अतीत गहवर में डूब गया? माने जो रविंद्रनाथ ठाकुर है और एक इंसान का नाम लिया गया, कौन? मदन मोहन मालवीय, कि उन लोग का जो संस्कृत सभ्य संस्कृति सभ्यता माने सिविलाइजेशन, उनका बसाया हुआ भारत कहाँ है, हमसे प्रश्न कर रहे। आर्य और द्रविड जाति है बेसिकली, ठीक है, आर्य और द्रविड, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सूख गया है? माने ये जो अपना फील्ड है इंडिया, सिर्फ हिंदू से नहीं बना है, सारे प्रकार के जाति है ना। तो यहाँ पे यही बोल रहे, इन सबका जो सम्मिलित एक संगठन हुआ था, वैसा समाज कहाँ गया, वो भारत कहाँ गया आज? क्यों? क्योंकि वो भारत हमेशा पॉजिटिविटी को पकड़ता था, परंतु अब कुछ ऐसा परिवर्तन हो गया है कि हर जगह नकारात्मक नेगेटिविटी को ही होल्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट, मेरा मन कहता है, किसका मन कहता है? लेखक का मन कहता है, ऐसा हो नहीं सकता, माने अब वो पॉजिटिव हो रहे कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हमारे महान मनीषियों, मनीषियों माने विचारक, थिंकर जो बनाए हैं देश को, हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा, माने गांधी जी, रविंद्रनाथ टैगोर की जितने का भी नाम है, सब लोग ने जो आदर्श रखे हैं वैसा ही भारत। ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल और उथल पुथल क्यों ना दिखाई दे, ऊपर की सतह माने लेयर, ऊपर का लेयर में कितना भी शोर क्यों ना हो, कोलाहल माने शोरगुल, ठीक है, कितना भी शोर क्यों ना हो या उथल पुथल क्यों ना दिखाई दे, नीचे शांत अचंचल माने ऊपर से दिख रहा है कि नेगेटिविटी है, लड़ाई है, झगड़ा है, बट नीचे का लेयर में आओगे, नीचे आओगे तो वहां शांति ही है। देखो लिखा हुआ, ऊपर की सतह पर जितना भी कोलाहल, कोलाहल माने शोरगुल और उथल पुथल क्यों ना दिखाई दे, नीचे शांत अचंचल गांभीर्य, गांभीर्य माने सीरियस, अचंचल माने जो चंचल नहीं है, हिलती डुलती नहीं है, वैसे अब भी भारत महान है, अनुकरणीय है, अनुकरणीय माने जिसका नकल नहीं कर सकता, जिसका कंपैरिजन नहीं हो सकता है, वो है। यह सही है कि
इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका, जीविका माने जीवन बिताने वाले, चलाने वाले निधि, निधि माने बेचारे, और भोले भाले श्रमजीवी, श्रमजीवी माने जो मेहनत से पैसे कमाते हैं, पीस रहे हैं, झूठ और फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे। यहाँ पे हम लोग को ये भी बोला गया कि ये भी सत्य है। क्या सत्य है? कि जो ईमानदार है, जो अपना चार पैसा ईमानदारी से परिश्रम से कमा रहे, बेचारे तो ठगे जा रहे, परंतु जो घूस ले रहे हैं, चोरी कर रहे, या बहुत सारी बेस है पैसे कमाने की, वो लोग तरक्की पे जा रहे, ऊपर की ओर ही जाए जा रहे। ईमानदारी और को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। लोग जो ईमानदार लोग होते हैं ना, उनको समझता है ये तो मूर्ख है। मूर्खता का पर्याय माने समान अर्थ वाला, ठीक है, समान अर्थ वाला समझा जाने वाला है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से में पड़ी है। भीरू माने डरपोक, जो डरपोक है वही सच्चे रहते हैं, ऐसा माना जाता है आजकल की दुनिया में। ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्यों के बारे में लोगों की आस्थाएं हिलने लगी है। इसीलिए जब लोग देख रहे हैं कि बुरे लोग तो ऊपर जा रहे हैं, माने अच्छा पैसा कमा रहे, और ईमानदार लोग नीचे जा रहे हैं, उनको कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहे, तो लोगों के मन में ऐसा भावना आ गया। कैसा भावना आ गया? कि छोड़ो, हम भी गंदे रस्ते में जाते हैं, हम भी ऐसा ऐसा कार्य करते हैं, हम भी क्यों अच्छे बन कर रहे। तो इसीलिए ये चीज लिखा गया है। एक बार देख लो बाबू ये वाला चीज भी, ये पेज भी देख लो। लोकेश, आवाज आ रही है क्या? मैम, श्रमजीवी क्या होता है? एक सेकेंड बाबू, लोकेश ने अपना ऑडियो ऑन नहीं किया, इसीलिए उसको वॉइस नहीं आ रही है। हम उसको मैसेज कर रहे हैं, एक मिनट। एडजस्ट होप कर ले। हाँ, क्या बोल रही है बाबू समृद्धि? मैम, ये भले भले श्रमजीवी क्या होता है? श्रमजीवी मेहनती, परिश्रम करने वाले, श्रमजीवी श्रम से जीते हैं। एक सेकेंड ना। पढ़ लिया क्या बाबू? आगे बढ़ जाए। मैं मेला ब्लाइंड फिर से समझा सकते हैं? सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के, जो सच्चाई है वो लोग जो डरे हुए लोग रहते हैं उनके हिस्से में, और बाकी लोग जो करप्टेड है सब है, वो लोग बेमानी कर रहे, झूठ बोल रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सच्चाई से केवल भीरू, भीरू माने डरपोक लोगों के हिस्से में। और मैम, जो नेक्स्ट लाइन है, ऐसी स्थिति में जीवन के महान मूल्य, मतलब क्या है इसका? माने ऑब्वियसली ऐसा ही सिचुएशन रहेगा कि लोग ऐसा ही सोचेंगे, तो अच्छा वैल्यूज क्या रहेगा, या अच्छा वैल्यूज के प्रति लोगों का इच्छा क्या बोलते हैं डोलेगा, माने क्या बोलते हैं कि उनका जो विचार है वो चेंज होगा, कि हमें अच्छे के प्रति नहीं रहना चाहिए, क्योंकि देखो अच्छे लोग तो हमेशा सहते ही जा रहे हैं। अच्छा मैम, वही बोल रहा है कि अगर ऐसा माहौल रहेगा तो जो हमारे माँ बाप ने जो मूल्य सिखाया, जो ये सब महात्मा गांधी जी ने जो सब भी मतलब सिखाया, उससे बिलीफ हटने लगेगा ना। एग्जैक्टली। अच्छा समृद्धि, कल या परसों जो ऑडिट क्लास हुआ उसमें मैंने आउटसाइडर करवा दी है, तो आउटसाइडर में तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? आउटसाइडर में तो दिक्कत नहीं होगा, मैंने जो रिविजन कराया है लास्ट क्लास वो आउटसाइडर का कराया था। अच्छा। नहीं मैम, आउटसाइडर इजी है थोड़ा, तो मैं पढ़ लूंगी फिर डाउट होगा तो आपसे पूछूंगी।
ठीक है, आगे चलते हैं। बात नई नहीं है, अब बोल रहे जो बातें हो रही है वो नया नहीं है, पर इसकी विभिन्नता शायद पहले कभी इतनी विकराल होकर नहीं प्रकट हुई थी। माने इसके बारे में लोगों ने कभी विभिन्नता माने क्या, इसके बारे में बेसिकली इसका जो नॉलेज है उसके बारे में शायद लोगों ने इतनी गंभीरता से नहीं देखा था। विकराल माने भयानक रूप में आई थी कि बाप रे नेगेटिविटी इतना फैल गया है, लोगों ने कभी ऐसा नहीं सोचा था। ठीक है, आज से 400 साल पहले बाबा तुलसीदास, कौन तुलसीदास जी, जिनका हम लोग सब कविता ऐसा पढ़ते हैं, बाबा तुलसीदास ने कुछ ऐसा ही माहौल देखा था। माने तुलसीदास जी ने भी पक्का कुछ ऐसा माहौल देखा था जहां लोग करप्टेड था एंड एवरीथिंग, वैसा माहौल। वे व्याकुल भाव से कहे गए थे, व्याकुल माने बेचैन भाव से दो लाइन लिखी थी, क्या, सीदत साधु साधुता शोभित शोभती सॉरी खल विलसत द्रुतमती भाई। ये दो लाइन का मतलब बेसिकली यही है कि जो गंदे गंदे लोग है ना वो तो फेमस हो जाएंगे, वो तो लोग क्या करेंगे, उनसे अट्रैक्ट हो जाएंगे, परंतु जो साधु लोग है, जो सच्चे लोग है, उनको लोग गालियां देंगे, उनके प्रति उनका मजाक उड़ाएंगे, उनको मानेंगे नहीं। इन दो लाइन का संस्कृत श्लोक का मतलब ऐसा है, देखो लिखा हुआ भी है क्या कि परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के साथ साथ धन संकट की प्रवृत्ति को जैसा बढ़ावा इस समय मिला है वैसा उन दोनों नहीं था। नहीं, इसका मीनिंग नहीं लिखा है, मीनिंग तो हम बता दिए। इसके आगे ये लिखा हुआ है क्या, आधुनिक साधनों माने मॉडर्न जो साधन है अपने, पहले के जमाने में ना लोग मनी को इतना वैल्यू नहीं देते, पहले के भारत में लोग मनी को वैल्यू इतना नहीं देते। एक सेकेंड ना, तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि पहले के जमाने में मनी को इतना वैल्यू दिया गया था कि नहीं, आप लोग मेरे को बताओ, पहले बाबा तुलसीदास के जमाने में, पुराने जमाने में क्या मनी चेदी वैल्यू था अपने भारत में, भारत ने कभी भी पैसे या स्टाइल ये सबको इतना वैल्यू दिया था कि नहीं, यू पीपल टेल मी। नहीं, भारत तो हमेशा कैसा रहा है, बोलो, सिंपल रहा है, isn't it? सिंपल धोती कुर्ता खटिया गांव एक साथ मिलकर रहना खाना, कभी भी शो ऑफ नहीं किया था, भारत तो हमेशा से वैसे ही रहा था। देखो, परंतु आधुनिक साधनों और सुविधाओं के साथ साथ धन संकट की प्रवृत्ति को जैसे और बढ़ावा इस समय मिला है वैसे उन दोनों नहीं था। माने अभी जितना मॉडर्नाइज हो गया है तो मनी को वैल्यू मिल रहा है, परंतु पहले के जमाने में ऐसा नहीं था। भलाई का दुराव बेहिसाब बढ़ गया है, दुराव माने बुरा, भलाई का यूटिलाइजेशन बहुत गलत हो गया है, बहुत गलत वे से लिया गया है, और उसी अनुपात, अनुपात माने तुलना, तुलना माने कंपैरिजन, कंपैरिजन में बल्कि कुछ अधिक मात्रा में ही साधुता का सोच भी बढ़ा है। साधुता की सोच माने जितना नेगेटिविटी बढ़ता है ना बाबू, उतना हम लोग इम्पोर्टेंस देते हैं किसको, पॉजिटिविटी को। जब जब करप्शन हुआ है, जब जब गंदगी हुई है, तब तब हमारा नजर किसकी ओर जाता है, पॉजिटिविटी की ओर। तो यहाँ पे यही बोल रहे, जब जब गंदगी हुई है, कुछ भी हुई, तो तभी हमारी नजर साधुता माने अच्छाई की ओर, साधु संत के ऊपर गई है। तुलसीदास ने महान जीवन मूल्यों में आस्था नहीं छोड़ी थी। जो तुलसीदास जी थे उनके जमाने में भी तो बहुत बुरा बुरा चीज हो रहा था, परंतु उन्होंने क्या अपना जीवन से आस्था छोड़ दिया था, नहीं छोड़ा था। लगता है उनके समकालीन अधिकांश लोगों ने भी नहीं छोड़ा था। समकालीन माने जो एक ही समय में साथ में रहते हैं वो, कि उनके जमाने में भी जो साथ में लोग रहते थे उन्होंने भी कभी नहीं छोड़ा, पर आज भी छोड़ने की जरूरत नहीं है। क्या हमें आज भी अच्छाई को छोड़ना चाहिए? नो, आंसर इज नहीं। जितना भी नेगेटिविटी आ जाए, हम लोग सबको किसको होल्ड करके रखना चाहिए, पॉजिटिविटी। ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वो बहुत साल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है। माने जो भी ऊपर में हमें नेगेटिविटी दिख रहा है ना, पता है वो कैसे आया? इंसानों के फ्लॉ के कारण। ये जो त्रुटियां है ना, त्रुटियां का मतलब फ्लॉज होता है, ठीक है, मिस्टेक्स होता है। अब लॉज कौन बना रहे, रूल्स रेगुलेशन कौन बना रहे गाइस? एक सेकेंड, कुछ नेटवर्क इश्यू हो रहा है, गिव मी अ सेकेंड।
सॉरी क्या बोल रहे थे समृद्धि, क्या सीखा अभी जो हम लास्ट लाइन बोला, क्या बोला बोलो तो एक बार रिपीट करो मैम कि नेगेटिविटी इंसानों के फ्लॉज से आता है। कैसे आया बोलो, तुम तो ह्यूमैनिटीज ले रखा है, कैसे आया बोलो, लॉज जो बनाते हैं वो इंसान बना रहे हैं भगवान बना रहे हैं? इंसान ही बना रहे हैं, इंसानों से गलती होती है ना, राइट, इंसान गलती होती है, इसलिए अमेंडमेंट बोलकर चीजें आती है। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है कि ऊपर में भी जो मिस्टेक्स हो रहे हैं, जो त्रुटियां या जो भी चीज हो रही है वो क्यों हो रही है, क्योंकि वो भी इंसान की बनाई गई है, ऐसे करके बोला जा रहा है। देखो ऊपर ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत साल की मनुष्य निर्मित नीतियों की त्रुटियों की देन है, माने वो सब मनुष्य ने ही बनाया है, उनका ही दिया हुआ है, त्रुटियां इज मिस्टेक्स। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नए सामाजिक विधि निषेधों को बनाती है। अब देखो नया सिचुएशन बाबू आता है जब सोसाइटी में, तो नया कानून बनता है कि नहीं बोलो आप लोग? जब जब नया परिस्थिति आएगा तो क्या हम पुराने वे से चलेंगे या नया कानून बनेगा? चल नी क्या लगता है? तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं, जब जब नई नई परिस्थिति आएगी तो सोसाइटी में, सामाजिक माने सोसाइटी में, विधि निषेधों, निषेधों माने नियम, नियम बनते हैं नए नए, ठीक है, उनके ठीक साबित ना होने पर उन्हें बदली भी जाती है। अब जो हम लोग रूल्स बना दिए, लॉ बना दिए, तो हो सकता है वो करेक्ट नहीं हो, तो उसको चेंज भी करना पड़ता है। उहापो, उहापो माने जल्दबाजी, ग्रहण त्याग माने कभी हम लॉ यूज कर रहे हैं कभी छोड़ दे रहे हैं, संशोधन परिवर्तन, संशोधन माने शुद्ध रूप में यूज कर रहे या नहीं कर रहे, वो चीज का सिलसिला चलता आता रहता है। ऑब्वियसली ये सब तो रहेगा ना, यूज करो, अप्लाई करो, ठीक है कि नहीं है, ये सब उथल पुथल भी होती है, उथल पुथल माने ऊपर नीचे, बहुत कोलाहल प्रॉब्लम्स भी होता है। कई बार दुर्व्यवस्था के कारण निरीह व्यक्तियों को कष्ट भी बढ़ता है, दुर्व्यवस्था माने अच्छी व्यवस्था नहीं, जो अरेंजमेंट्स अच्छी नहीं है, तो उसके कारण निरीह माने अच्छे अच्छे व्यक्तियों को बहुत प्रॉब्लम सहन करना पड़ता है। अभी जो डिमोनिटाइजेशन हुआ था बट उसका अरेंजमेंट ढंग से नहीं हुआ था, तो जो करप्टेड लोग थे, जो ब्लैक मनी वाले लोग थे, उनका तो छोड़ो, बट जो अच्छे व्यक्ति थे उनको भी कष्ट सहना पड़ा कि नहीं बोलो? उनको प्रॉब्लम हुआ कि नहीं? टेल मी। यस मैम, लॉकडाउन में भी वही हुआ था, वही चीज तो है ना। तो माने गंदे लोगों के साथ अच्छे लोग को भी सहना पड़ता है, यहाँ पे यही चीज बोला जा रहा है और कुछ नहीं। वेरी सिंपल, ऐसे देखने में ये सब पैरास ना बहुत टफ लगता है, बट समझो अंदर का तो कुछ भी नहीं है। यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस का बात कर रहे हैं कि नई परिस्थितियां आती है तो नए नए कानून बनते हैं, नई नई चीजें बनती है। अब वो बनाने वाले कौन है? मनुष्य है, तो मनुष्य तो कुछ त्रुटि तो होगी होगी, है ना, तो वही सबके बारे में लिखा हुआ आगे। फिर देखो, बहुधा सुविधा भोगी वर्ग की स्थिति में परिवर्तन के कारण व्यक्ति विशेष पूरी तरह ध्वंस हो जाता है, माने हम लोग इतने कंज्यूम करते रहते हैं, लेते रहते हैं, तो ऑब्वियसली कुछ रूल चेंज हो तो हमें प्रॉब्लम भी होता है, अक्सर होता है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर मनुष्य समाज बहुत जटिल प्रक्रियाओं से होकर गुजर कर और भी जटिल होता है, सबके लिए कभी भी एक ही नियम सुखकर नहीं होते। जो नियम और कानून है वो सबके लिए एक ही बनाए जाते हैं ऑब्वियसली, परंतु दी थिंग इज दैट एक के लिए जो कानून सुखदायक है, दूसरे के लिए हो सकता है वो कानून सुखदायक ना हो। कोई एग्जांपल तुम लोग मेरे को दो इसका, कि कानून जब बना है एक के लिए वो सुखी सुखदायक है, हैप्पीनेस वाला चीज दे रहा है, बट दूसरे के लिए वो खुशी नहीं दे रहा है, कौन सा ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो? कोई भी कानून का एग्जाम्पल दो ऐसा, एनीथिंग, वेटिंग, बोलो, बहुत ईजी, कुछ भी एग्जाम्पल दो। मैम जो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, जैसे ये नहीं होता इंडिया पाकिस्तान जैसे होता है, मतलब जैसे वो अलग है अपने कंट्री के हिसाब से बोलो, दूसरे देश के हिसाब से हमें नीचे, अपने देश के हिसाब से बोलो। हमारे देश में कुछ कानून बना तो कुछ लोगों के लिए वो सुखकर है और कुछ के लिए वो सुखकर नहीं है, कौन बोलेगा? समीरा, समृद्धि, कुछ सोचो कौन सा ऐसा कानून है, क्या ऐसा होता है? मैम जिससे गरीब और गरीब हो और अमीर और अमीर, बोल सकते हो, सपोज करो टैक्स इक्वल कर दिया सबके लिए, बोला जाएगा 20% टैक्स देना सबको, तो मतलब समझ रहे हो, जो एकदम ही बेसिक कमाता है उसके लिए तो प्रॉब्लम नहीं है, जो एकदम ही डाउन है उसके लिए प्रॉब्लम है। तो एक ही कानून क्या सबके लिए हैप्पीनेस ला सकता है? नहीं, किसी के लिए वो अच्छा होगा तो किसी के लिए वो खराब होगा, होगा कि नहीं बोलो? यस। आगे
मनुष्य की बुद्धि से निर्मित व्यवस्था हमेशा त्रुटि युक्त होती है। माने अगर मनुष्य अपनी बुद्धि से सोच समझ के करे तो ऑब्वियसली हो सकता है कि वो इतना मिस्टेक्स नहीं करे। सामयिक कायदे कानून कभी कभी युक्त से परीक्षित आदर्शों से टकराते भी है। इससे ऊपरी सत्ता आलोड़ित भी होती है। इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारा जैसे सती सिस्टम, ठीक है, अब सती को हटाया गया तो पहले के जमाने के कुछ लोग बोल सकते हैं हाय ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो जब नया कानून आता है तो वो पुराने लोगों से भिड़ता भी है, टेस्ट भी होता है, फिर जाके वो माने टेस्ट होने के बाद वो निखर कर आता है। तो ये जरूरी नहीं है कि कुछ अच्छा कानून बने तो पहले वाले लोग या पहले जमाने के लोग खुश हो उससे, तो उनसे हमें लड़ना भी पड़ता है उसको लेकर। फिर क्या है, पहले भी हुआ कि आगे भी होगा, उसे देखकर हताश भी होना ठीक नहीं है। तो ये पहले के जमाने में भी हुआ है और अभी के जमाने में भी होगा, तो ये सबको देखकर उदास होना ठीक नहीं है। लोकेश आवाज आ रही है? हाँ मैम आवाज आ रही है, बट बहुत ही लेट आ रही है। मैंने दो पेज पढ़ा दिया इसका, तो आप सुनो अच्छे से और कोई दिक्कत होगा तो देख लेंगे, नहीं तो मैं आपको ना रिकॉर्डिंग दे दूंगी, ठीक है, स्टार्टिंग का आप रिकॉर्डिंग देख लो, ठीक है। तो ठीक है मैम, और अभी क्या आप बना रहे हैं? मैं यही नहीं, सारा काश नहीं, क्या निराश हुआ जाए करा रही हूँ, उसका दो पेज करा चुकी हूँ, थर्ड पेज से करा रही हूँ, ठीक है? ठीक है मैम, आ जाओ, थोड़ा समझ आ जाएगा, कोई रेलिवेंस नहीं है, सिर्फ सुनो एक स्टोरी की तरह, कोई वो नहीं है कि कनेक्शन है, सिर्फ एक वैल्यूज बताया जा रहा है, कुछ नहीं। देखो आगे, बुद्धि को उन्हीं के इशारों पर छोड़ देना बहुत निकृष्ट आचरण है। निकृष्ट माने एकदम नीच आचरण है। अब बुद्धि को हम लोग सिर्फ ये सोच के छोड़ दे कि पहले के जमाने के लोग क्या कहेंगे, क्या वैल्यूज है, हमें तो चेंज नहीं करना है, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, या जो भी चीज है, तो वो नीच होने का एक हिंट है, एक सिम्टम है। क्यों? अगर तुम्हें मॉडर्नाइज करना है, अगर तुमको क्या बोलते हैं, कदम से कदम मिलाकर चलना है इस युग से, तो तुमको अपनी सोच को चेंज करनी ही पड़ेगी, पहले के जैसे तुम रह नहीं सकते। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया, इन्हें सदा संयम, यही तो पेज है ना, ओ सॉरी मैंने ना छोड़ दिया, सॉरी लास्ट पैरा है ना उसका, वापस से आ गया 73 लास्ट पैरा। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को महत्व नहीं दिया। हमारा जो इंडिया है, भारतवर्ष माने भारत, हमारा जो इंडिया है, उसने कभी भी भौतिक माने सांसारिक मटीरियलिस्टिक चीजों को कभी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। क्या पहले के जमाने में तुम लोग देखे थे गांव में इंटीरियर्स हो रहे हैं, गांव में मार्बल लग रहे हैं, कभी देखे हम लोग ऐसा? जितना भी अमीर से अमीर गांव वाला क्यों ना हो, जमींदार क्यों ना हो, कभी भी नहीं देखे, क्योंकि भारत के लोग कभी भी मटीरियलिस्टिक चीजों के पीछे नहीं भागे, वो लोग वैल्यू, योगा, कल्चर, ये सब के पीछे भागे। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही परम और धर्म है। हमारे भारतीय लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो हमारे अंदर है, अंदर माने आत्मा, हमारा स्पिरिचुअलिटी, उसके ऊपर भारतीयों का नजर है, ना कि बाहरी चीजों के ऊपर। लोभ मोह माने लालच, ये सब काम क्रोध जो हम लोग के अंदर लस्ट, ये सब होता है काम क्रोध, ये सब आदि विचार मनुष्य में स्वाभाविक रूप में विद्यमान रहते हैं। ऑब्वियसली ईगो, जेलेसी, लस्ट, कितनी चीजें हैं, हर एक इंसान में होता है, तो यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि ये सब इंसान में होता है, पर उनको प्रधान शक्ति मान लेना, पर उस एक नेगेटिविटी को ले लेना कि मैं तो गुस्से वाली हूं, मैं तो इगोइस्टिक हूं, मैं तो ऐसी हूं वैसी हूं, उसको मेन मान लेना, प्रधान मान लेना, बिल्कुल गलत है ये चीज। देखो, और अपने मन और बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना कि अच्छा गुस्सा आ रहा है तो आने दो, नहीं गुस्सा आ रहा है तो पहले उसको समझो कि मुझे गुस्सा आ रहा है, उसको कंट्रोल करो। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि अपने नेगेटिविटी की ओर अपने आप को छोड़ देना सबसे गलत बात है, निकृष्ट माने नीच वाली बात है। भारतवर्ष ने कभी भी इनको महत्व नहीं दिया। किसको महत्व नहीं दिया? बाहरी गुण को, गुस्सा, ये वो, जो भी गंदी अपनी चीजें हैं, नेगेटिविटी है, उसको कभी भी इंपॉर्टेंस नहीं दिया। इन्हें सदा संयम के बंधन से बांध कर रखने का प्रयास किया। संयम माने कंट्रोल में, ठीक है, संयम इस कंट्रोल में रखने का प्रयास किया। परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती। बट एक एग्जाम्पल अब दे रहे हैं, सोचो कोई इंसान गरीब है, भूखा है, और तुम उसको बोल रहे हो ए तुम भूख, मैंने वो सोचो 10 दिन से भूखा है, और तुम उसको ज्ञान दे रहे हो कोई बात नहीं, अपना भूख कंट्रोल करो, भूख के कारण चोरी मत करो, ये मत करो, वो मत करो, डू यू पीपल रियली थिंक उसके भेजे में कुछ जाएगा? नो। अगर भूख लगा है, कोई इंसान भूख से ग्रस्त है, तो वो तुम्हारी बातें कभी समझ ही नहीं पाएगा, तब तुम ये सब ज्ञान उसको मत देने लग जाना।
बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती। कोई बीमार है और तुम उसको बोलोगे तुम गुस्सा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, वैसा क्यों कर रहे हो, तो उसको तुम्हारी बातें समझ में नहीं आ। गुमराह तो ऑब्वियसली जो भटक गया है, गुमराह को ठीक रास्ते पर से आने के उपायों की उपेक्षा नहीं की जा सकती। जो गुमराह है तो ऑब्वियसली हम लोग को उसको ठीक लाना होगा, बट तुम उसको ऐसे ताना दोगे सुनाओगे तो ऑब्वियसली वो ठीक रास्ते में ऐसे नहीं आएगा। अब इसका आगे का एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। हुआ यह है कि इस देश के कोटि कोटि दरिद्र जनों माने गरीब की हीन अवस्था को दूर करने के लिए, माने जो गरीब है उनकी गरीब अवस्था को दूर करना है हमें, ऐसे अनेक कायदे और कानून बनाए गए। तो हमारा जो इंडिया इधर तो कितना पॉवर्टी, कितने पुअर लोग हैं, तो उनकी अवस्था को ठीक करने के लिए बहुत कानून बना है। जो कृषि माने जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, फार्मर्स लोग, उद्योग, ठीक है, उद्योग तुम्हारा हो गया ये, व्यापारी लोग भी, जैसे वाणिज्य सब क्या होता है, जो कुछ बनाते बाइंग सेलिंग करते हैं, उद्योग इज तुम्हारा रिलेटेड टू व्यापार एंड ऑल, ठीक है, एंड वाणिज्य इज योर रिलेटेड टू बेचना खरीदना, ट्रेडिंग एक्टिविटीज एंड ऑल। शिक्षा तो तुम लोग को पता है, एडुकेशन, स्वास्थ्य, हेल्थ की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लक्ष्य से प्रेरित है। अपने आप में यह लक्ष्य बहुत ही उत्तम है, परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है उनका मन सब समय पवित्र नहीं होता। इसका मतलब क्या है, हमारे देश में बहुत गरीब लोग हैं, ठीक है, अब हम लोग को उनकी गरीबी हटानी है तो बहुत हम कानून बना रहे हैं, कूल। अब कानून बनाने के लिए हम लोग बहुत जगह काम कर रहे हैं, ट्रेडिंग बोल लो, बिजनेस बोल लो, स्कूल्स, एजुकेशन बोल लो, एग्रीकल्चर बोल लो, जो भी यहाँ पे एग्जाम्पल दिया। पर यहाँ पे प्रॉब्लम ये बोल रहा है कि सरकार इन सब का सोचो फ्री कर दी कि फ्री एजुकेशन मिलेगा, फ्री ये मिलेगा, फ्री वो मिलेगा गरीबों के लिए, परंतु जो इंसान है ना, जो इनको पोस्ट दिए गए हैं कि तुम फ्री स्कूल चलाओ या ब्ला ब्ला थिंग्स, वो लोग करप्टेड निकल रहे हैं। माने सरकार और गरीब के बीच में जो इंसान है वो लोग करप्टेड है, वो लोग सारा पैसा खा जा रहे हैं, यहाँ पे उसकी और अग्रसर कर रहा है हम लोग को, क्या कि जो बीच का इंसान है जो मिडियोकर है वो करप्टेड है, ऐसे करके वो। परंतु जिन लोगों को देखो ये कार्य दिया गया है कि माने स्कूल्स में हम लोग दे दिए पोजिशन एंड ऑल, तो वो लोग करप्टेड है, वो लोग गरीबों का सब कुछ खा जा रहे, उनका मन पवित्र नहीं रहता। प्राय वे ही लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी सुख सुविधा की ओर ज्यादा ध्यान देते हैं। वो लोग ये लक्ष्य नहीं देखते गरीबी हटाना है, गरीबों का हेल्प करना, और वो अपनी सुख सुविधा देखते हैं, अपनी चीजें देखते हैं। व्यक्ति का चित्त सब समय आदर्शों द्वारा चालित नहीं होता। व्यक्ति का चित्त माने मन हमेशा वैल्यूज की तरह नहीं चलता, वैल्यूज की तरफ नहीं चलता। यहाँ पे जितने बड़े पैमान पर इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, पैमाने माने अगर तुम मेजर करोगे बड़े बड़े पोजीशंस में जो इंसान है, उतनी मात्रा में लोभ मोह जैसे विकार भी विस्तृत है। जितने इनके अंदर बड़े बड़े पोस्ट में ये लोग हैं, उतना इन लोग के अंदर करप्शन है, उतना इन लोग के अंदर लोभ लालच है कि हम अमीर हम और अमीर होंगे। बेसिकली गरीब को देखना वो बांटने के लिए रेडी रहता है, अमीर लोग को चाहिए मुझे और दो, वो लोग का कैटेगरी ऐसा हो। एक सेकेंड मैम। हाँ बोलो मैम, विधान मतलब क्या होता है, कहाँ पे लिखा हुआ है बाबू ये इन क्षेत्रों में विधान बनाए गए, उन्नति के विधान बनाए गए हैं, माने उनके बीच के मिडियोकर बनाए गए, उनके जो नहीं होते कि उनके तरफ से जाएगा विधान, तरीके बनाए गए, एक तरीके से बोल सकते हो कि उनके विधान बनाए गए। जैसे यहाँ पे देखो कैसे लिखे है, इन क्षेत्रों में मनुष्य की उन्नति के विधान बनाए गए हैं, कि तरीके बनाए गए कि मनुष्य क्या करेगा, उन्नति करेगा, प्रोग्रेस करेगा, ये सब रस्ते से, उसका मतलब। उतनी मात्रा में वो लोग लोभ में रहते हैं, माने उतने पोजीशन में हाई में रहते हैं तो उतना ही वो लोग में लोभ लालच ये सब रहता है और अपना लक्ष्य वो भूल जाते हैं। आदर्शों को मजाक का विषय बनाया गया, आदर्शों माने कल्चर देख रहता है ना हमारा, मॉरल वैल्यूज, उसको मजाक बनाते हैं। और संयम को दखियानासु मान लिया गया, संयम माने कंट्रोल करो, लालच मत करो, जितना मिल रहा है उसमें खुश रहो, तो उसको बैकवर्ड बोल देता है। ये जो वर्ड है ना दखियानुसी, मतलब क्या होता है, बैकवर्ड बना दिया गया है कि तुम लोग और चाहो लालच करो, तुम लोग सैटिस्फाई कैसे रहते हो, दिल मांगे मोर टाइप्स नहीं है वैसे, तो सैटिस्फाई क्यों हो रहे हो। और हम लोग जो संयम में रहते हैं कि जितना है उसमें खुश रहो, जो हमें सिखाया गया है, उनको बैकवर्ड कल्चर बोल दिया। परिणाम जो होना था वह हो रहा है, माने जो रिजल्ट होना था वो हो रहा है, परिणाम इज रिजल्ट, जो रिजल्ट होना था वो हो रहा है। या कुछ थोड़े से लोगों के बढ़ते हुए लोभ का नतीजा, और ये नतीजा क्यों हो रहा है बोलो, परिणाम क्यों हो रहा है, थोड़े से लोग जो एकदम करप्टेड निकल गए उनके लिए। क्या हर लोग बदमाश है, नहीं, उस हर में कुछ लोग बदमाश है जो सबको बदमाश का पद दे रहे हैं।
किंतु इससे भारतवर्ष के पुरानों पुराने आदर्श माने जो कल्चर है हमारा पुराना वो और भी अधिक स्पष्ट रूप से महान और उपयोगी दिखाई देने लगे। माने जब गंदगी आती है तब हमें पहले की अच्छाई और दिखती है। तो यहाँ पे यही बोल रहे हैं कि जो गंदगी आई है तो इसका मतलब ये गंदगी नहीं है, पहले की और अच्छाई हमें नजर आ गई। कि देखो आज सोचो हम लोग नेगेटिव चीज है, ठीक है, हम लोग नेगेटिव को नेगेटिव कब देखते हैं? क्योंकि हमारे नजर में पॉजिटिव कुछ और है, राइट। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर इंसान नेगेटिव को नेगेटिव बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे, तो क्यों बोल रहे? क्योंकि पॉजिटिविटी कहीं और है। एक बार आप लोग इतना रीड करो और मीटिंग एंड होगा तो मैं और एक लिंक भेजूं, उसमें आ जा, ठीक है? एक बार इतना रीड करो। अभी शायद मीटिंग एंड होगा, रीजॉइन कर, मैं भेज रही हूं।